हेलो फ्रेंड्स, एचटीएमएल की सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइटल टैग और हेड टैग के बारे में, यह लेक्चर 2। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। टाइटल टैग, यह है टाइटल टैग का ओपन टैग और यह है क्लोजिंग टैग। टाइटल टैग इट्स प्रोवाइड टाइटल फॉर योर वेब पेज। ये आपके एक वेब पेज को टाइटल देने के काम में आता है। जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि जहाँ पर आपके फाइल का एड्रेस आ रहा था या सॉरी फाइल का नेम आ रहा था लाइक लेक्चर 1.html, वहाँ पर आपका टाइटल रिप्लेस हो जाएगा। वन पेज हैज़ नॉट मोर देन वन टाइटल टैग। एक पेज के पास एक टाइटल टैग से ज़्यादा नाम सॉरी टाइटल टैग नहीं हो सकते। सपोज फ्रेंड्स, एक आदमी के पास एक ही नाम हो सकता है, इसी तरीके से एक पेज के पास एक ही नाम हो सकता है और वो नाम हम देते हैं टाइटल टैग से। इट कैन ओनली रिटर्न बिटवीन हेड टैग। टाइटल टैग को हम सिर्फ और सिर्फ हेड टैग के अंदर ही लिख सकते हैं। दूसरी बात आई हेड टैग। हेड टैग भी सेम है क्लोजिंग एंड ओपन टैग। और हेड टैग की खास बात होती है कि ऑल लॉजिकल डेटा या ऑल लॉजिकल कोडिंग्स अबाउट डाटा इज कोडेड हेयर। जितनी भी लॉजिकल कोडिंग होती है वो डेटा के बारे में, वो सब हेड टैग के अंदर होती है। जैसे कि हमें अपना नाम लिखा दीपक शर्मा और हमें चाहिए कि हमारे नाम का कलर हो जाए रेड, इसका फॉन्ट हो जाए 20 और इसकी ऊपर से सॉरी इसकी हाइट हो जाए 300 पिक्सल, तो ये सब कोडिंग मैं बॉडी टैग के अंदर नहीं करूँगा, ये सब कोडिंग करूँगा मैं हेड टैग के अंदर। ये हमारे डेटा के बारे में एक लॉजिकल कोडिंग है जो हम ब्राउज़र को बताना चाहते हैं। और ब्राउज़र लॉजिकल कोडिंग कहाँ से पढ़ता है? हेड टैग से। तो चलिए एक एग्जांपल से हम इसे और डीपली समझते हैं। इस बार मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस को खोल लेता हूँ और अब हम करेंगे नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर HTML, ठीक है, एंड देन यहाँ पर लिखा मैंने इसका हेड टैग एंड हेड टैग क्लोज, और यहाँ लिखता हूँ मैं इसका बॉडी टैग बनाया फ्रेंड्स। और यहाँ से इसके हेड टैग के अंदर लिखूंगा मैं टाइटल इसका, कि टाइटल इस फाइल का क्या है। टाइटल के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम देना चाहता हूं दीपक शर्मा। और मैं इसकी बॉडी के अंदर भी कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया हूँ दिस इज लेक्चर टू, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैंने सेव करा, मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर, नाम दे देता हूँ मैं इसे lecture2.html और सेव। फ्रेंड्स देखिए, ये है नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो गया है और जो टेक्स्ट का कलर है वो ऑटोमेटिक डिफरेंट है, यानी कि ब्लैक में है और ये एक स्काई ब्लू कलर में आ गया है। तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टैग हैं और कौन से टेक्स्ट है, कहाँ एरर है कहाँ एरर नहीं है। तो आप इसको ओवरली अच्छे डेकोरेट कर सकते हैं कोड को अपना। मैं इसे अच्छे से डेकोरेट कर देता हूँ कि कोड को आराम से रीड किया जा सके। हेड के नीचे हेड क्लोज होगा, बॉडी यहाँ पर हुई, बॉडी को मैं थोड़ा यहाँ पर करता हूँ और ये नाउ फाइनली हमारा कोड सेव हो गया। अब हम इसे सेव कर लिया हमने इसे, और अब मैं इसे लॉन्च करता हूँ क्रोम में। आप को इस समय लॉन्च करने के लिए डेस्कटॉप पर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी लॉन्च इसे कर सकते हैं। लाइक मैं रन लॉन्च कर रहा हूँ, रन पर जाकर लॉन्च इन क्रोम। आपके पास और भी कोई ब्राउज़र हो लाइक फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, सफारी, आप किसी में लॉन्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं क्रोम में लॉन्च करता हूँ इसे, और मैं क्रोम में लॉन्च कर दिया। और ये देखिए,
यहाँ पर लिखा आया दिस इज लेक्चर टू जो बॉडी टैग के अंदर लिखा गया था, और टाइटल टैग के अंदर जो लिखा गया था वो यहाँ पर आ गया। इस बार इसके अंदर हमारी फाइल का जो हमने नेम देते थे लाइक लेक्चर वन डॉट एच टी एम एल वगैरह दिए हमने नेम, जो वो नहीं आया। इस बार लेक्चर टू डॉट एच टी एम एल की जगह पर यहाँ पर क्या आया है, दीपक शर्मा, क्योंकि हमने यूज़ किया है यहाँ पर टाइटल टैग। फ्रेंड्स ये था टाइटल टैग और हेड टैग। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम एच टी एम एल्स की डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।